हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ मुंबई टू अक्कलकोट। ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर का ट्रैवल था, काफ़ी काफ़ी मज़ा आया। आई होप तुम लोगों ने वो पार्ट वन देखा होगा। पार्ट टू मैं सीधा रूम से स्टार्ट कर रहा हूँ। शाम के 4:30 बजे हम लोग यहाँ से, मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ दोस्त मंदिर, वहाँ पे दर्शन करेंगे। मुझे भूख भी लगा है, वहाँ पे कुछ खाएंगे एंड कुछ शॉपिंग भी है जो बोला है लाने के लिए, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे शॉपिंग करनी है। कितना सारा चीज़ें हम लोग शूट कर पाते हैं पता नहीं, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कर सकता हूँ। होटल का रूम काफ़ी अच्छा है, फुल्ली एसी रूम ने एंड आया फ्रेश हुआ, पूरा अपना जैकेट पैंट इनर जो अपना बेस लेयर वगैरह सब होते हैं सब सुखाने के लिए रख दिया। पावर बैंक चार्जिंग पे लगा दिया, मोबाइल मेरे पूरे चार्ज हो गए। अपना इंटरकॉम भी चार्ज कर लिया क्योंकि सुबह जल्दी निकलने वाले कल, और सुबह हम लोग 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ से निकलते पैदल ही जाएंगे क्योंकि पीछे कुछ 500 मीटर पे ही शायद मंदिर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे गाड़ी नहीं लेके जाते, ऐसे चलते हुए जाते हैं। थोड़ा सा और फ्रेशनेस हो जाएगा क्योंकि बैठे बैठे बोर हो रहा था। ऑलमोस्ट 4:30 बज गए तो 2 घंटे से ऊपर हो गया एंड निकलते बाहर एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं बाहर क्या क्या चीज़ें हैं। मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेते हैं एंड शॉपिंग करके वापस आते हैं। दोस्तों ये पता नहीं क्या है, देखते हैं इसका इन्फॉर्मेशन कहीं मिलता है क्या। काफ़ी बड़ा है, महल है, किला है, कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी हद तक टूटा हुआ भी है और ज़्यादा मुझे लग रहा है बंद ही होगा। बट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, और ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं मैंने अक्कलकोट में। मैं जब होटल की तरफ से मंदिर की तरफ जा रहा था तो ऐसे 2-4 घर तो दिख ही गए, लेकिन ये बहुत बड़ा है उसमें। जो भी होगा, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बोल देना ये क्या है, ये किसी का महल है, किला है, या जो भी है, प्लीज़ चैट में बता देना, नॉट इन चैट, कमेंट में। दोस्तों मैंने अभी लोकल लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि ये मालोजी राजे भोसले जो अपने मराठा थे तो उनका ये घर है। अभी काफ़ी हद तक टूटा है तो इसलिए उन्होंने बंद ही रखा है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इसका एक म्यूज़ियम उन्होंने बनाया हुआ है, तो अगर आज टाइम मिला मंदिर दर्शन करने के बाद तो वो म्यूज़ियम में जाके देखेंगे कि क्या क्या है वहाँ पर। भाग्य विधाता श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, तू अवधूता सत जननाथा शल्य विघाता श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का।
आज है डे टू। हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे पंढरपुर, और पंढरपुर से फिर हम लोग निकलेंगे मुंबई। पैकिंग पूरा हो चुका है, सामान पूरा जो भी मैंने निकाला था सब रेडी है, हेलमेट रेडी है, इंटरकॉम रेडी है, फुल्ली चार्ज्ड है। यहाँ से बस अभी चेकआउट करना और निकलना है। सुबह के 6 बज चुके एंड कल रात को मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, क्योंकि जैसे मैं वापस आया इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतना सारा रश था, ना प्रॉपरली दर्शन हुआ, ना वहाँ पे 2 मिनट बैठ पाया, तो वहाँ पे हालत बहुत ही ख़राब थी। तो कल का क्लोजर कुछ किया नहीं, तो उसी वीडियो को हम आज के पंढरपुर दर्शन में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तो ये डे टू वीडियो लॉग भी डे टू टूवर्स द मुंबई। मिलता हूँ रोड पर। दोस्तों पिछले आधे घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ, मतलब जो पीस, जो सुकून के लिए हम लोग घूमते रहते हैं, वो सुकून यहाँ पे आके मिल गया मुझे। मावली का दर्शन किया, मावली का दर्शन करके मैं घाट पे आके बैठा हूँ एंड ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, बहुत शांति से बैठा हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुबह के 9:30 बजे एंड यार पता नहीं यार, यही एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है, यही कुछ लाइफ में चीज़ें चाहिए होती है जो आपको इंस्पायर करती रहती है। जर्नी तो फैंटास्टिक था, लेकिन यहाँ पे आके जो फील आया, यहाँ पे आके जो दिल को सुकून आया, वो शब्द में नहीं बता सकता। कल का दर्शन, आज का दर्शन बहुत ही ऑसम था। मैंने आज मुख दर्शन किया क्योंकि भीड़ बहुत है आज भी, तो मुख दर्शन भी प्रॉपरली हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको लाइन में करके ही होना है। मुख दर्शन मेरा 10 मिनट में हो गया, लेकिन भाई माउली की वो जो मूर्ति है, माउली का वो जो दर्शन है, वो एक बार देखने के बाद आपके दिल में जो इंस्पिरेशन भर जाता है, उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। आई गेस कोई आया था, आई गेस दोनों दिन जिस इंस्पिरेशन के लिए मैं घर से निकला था वो मिल चुका है। पिछले 2 हफ्ते से हम लोग ये ट्रिप पोस्टपोन कर रहे थे, लेकिन फाइनली ये ट्रिप ख़त्म हो गई। मुझे अभी यहाँ से मुंबई जाना है, लेकिन ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, जो मैंने कल अक्कलकोट में स्टार्ट किया था वो वीडियो, और ये वीडियो क्लब करके ये दोनों ख़त्म करता हूँ। और बहुत बहुत ही सुकून मिल रहा है, मैं अभी और बैठूँगा 15-20 मिनट, थोड़ा सा और चिल करूँगा, और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा टूवर्स द मुंबई। मैं जो भी अपने व्यूअर्स है, जो भी अपनी फैमिली है, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। इसे सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, हम नए नए वीडियोस में मिलते रहेंगे। सो प्लीज सब सपोर्ट करा, सारा खबर सबरा कराए, सारा सारा कब व्हाटएवर, प्लीज सब सर, आई वांट टू रीच 1 मिलियन लाइक्स।